विधानसभा क्षेत्र में जो है पुरुष मतदाता से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है, लेकिन हम जब बूथ में पहुंचे तो महिलाएं के से ज्यादा जो है पुरुष दिख रहे थे, तो क्या वजह है कि घर से नहीं निकली महिलाएं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि महिलाएं नहीं निकली है, महिला भी जितने तर निकलना था जितने संख्या में वो नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज भी शायद हुए हैं, बहुत लोग जिता के लाए थे जिनको अचानक वो अपने पद छोड़ के किसी और को दे दी है, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग इसमें नाराज भी हैं कि हम लोग जिनको चुन के लाए थे और इतना मतदान किए थे और उसका वैल्यू नहीं रखे गए, शायद उसका भी नाराजगी हो सकते हैं, इसलिए शायद कम आए हैं। और कल तुलसी पूजन भी थे तो बहुत लोग फास्टिंग में थे, तो इसलिए भी महिला शायद बहुत लोग फास्टिंग के कारण, और आज भी कुछ चलते हैं उन लोग का प्रोग्राम, उस कारण भी महिलाएं शायद थोड़ा बहुत कम आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर मैं सोचती हूँ पहले से ज़्यादा इसलिए थोड़ा कम हुए हैं क्योंकि बहुत आशा लेके कोई भी जगह पे नेता चुन के लाते हैं, फिर जब वो नेता दूसरे चुनाव लड़ते हैं फिर उसमें से और फिर जगह खाली होता आता है, डबल डबल प्रयास करके लाना, वो भी कहीं ना कहीं नाराजगी। विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो महतारी वंदन योजना बीजेपी को सरकार में लाना एक बड़ा जो है मुद्दा रहा है, तो ऐसे में जो है इन पे भी चर्चा कर लेते हैं कि जो है आप लोग 70,000 महिलाओं को लगभग जो है आप लोग 70 लाख, तो उसको महिलाओं को आप लोग प्रति महीना जब 1,000 दे रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर क्यों नहीं निकली, क्या लगता है ये कारगर नहीं हुआ? कि हमारे वार्ड जो है गरीब परिवार है यहाँ पर, और वहाँ पर हर महिला कोई बर्तन चौका करती है, कोई दुकानों में जाती है, कुछ कारण तो वो भी है क्योंकि उनके सेठ हुआ उनके मालिक जो भी उनको छुट्टी नहीं दिए होंगे, हम यही कारण समझते हैं। और फिर बिचारी लोग अगर उनको छुट्टी नहीं दिया जाएगा तो कहाँ से वोट डालने आएंगे, और इसमें और कोई हमको खामियाँ नहीं दिखती क्योंकि देखिए गरीब परिवार के लोग तो भैया जो सेठ अगर उनको ये करेंगे छुट्टी देंगे तभी वहाँ के मतदान करके जा पाएगी, अगर उनको नहीं देंगे तो कहाँ जा पाएगी। और हम लोग अधिकतर देखे हैं कि हमारे वार्ड में कि जो गरीब महिलाएं हैं जो काम में जाती वही लोग नहीं आई हैं और बाकी लोग आके वोट डाल के जी। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार दिखाएं कि जो जो मतदान किए हैं, तो क्योंकि सिंबल है सबके हाथों में जो है ये पूरा निशान लगा हुआ है, और ऐसे में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ उपस्थित लोग हैं वो जो मतदान केंद्र पहुँचे हैं और मतदान केंद्र में मतदान किए हैं, तो आप तस्वीर देख रहे हैं लाइव तस्वीर है, ये आप लोग जो है मतदान केंद्र पहुँच रहे थे, तो पहले और अब की तुलना में क्या आप लोग को अलग चीज़ दिखाई दिया? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं दिखा, थोड़ा सा कमी हुई है, और ऐसा वार्ड से हर कोई आए हैं, क्या है जैसा भैया जी पहले बोले कि निर्वाचन विभाग उसको दोबारा छानबीन नहीं करती है, मतदाता सूची जो बनाती है ये डबल डबल है, हर बूथ में डबल डबल नाम है, उस कारण से थोड़ा सा कम दिखाई देता है। अच्छा, डबल नाम के तो वो दूसरे जगह रह रहे हैं और यहाँ? हाँ, नहीं आ पाए, कुछ लोग यहाँ से मतलब अपने वार्ड से चले गए हैं दूसरे जगह में, तो उसी कारण से थोड़ा सा कम हुआ है। युवाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, तो क्या लगता है युवा घर से निकल के बूथ तक पहुंचे? लगभग युवा घर से निकल के बूथ तक पहुंचे हैं और फिर से यहाँ भाजपा कमल खिलने जा रहा है। जैसे सामने वाले ने बताया कि देश के एकमात्र नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी जो 8 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते, वो भी बढ़ते क्रम में। पिछले विधानसभा ने बृजमोहन अग्रवाल जी को 57,000 वोट से जिताया, उनसे कोई नाराज नहीं है, उनको तो बढ़ चढ़ के जनता प्यार कर रही है। घर से क्यों नहीं निकली जनता? जनता घर से इसलिए नहीं निकल पाई क्योंकि ये वर्किंग डे में हो गया चुनाव, लगभग क्या होता है वीकेंड डे में होता है तो चुनाव जल्दी निकलती है पब्लिक, इसी कारण ये है कि त्यौहार भी था, देव उठने का त्यौहार, तो छत्तीसगढ़ का लोकल त्यौहार है इसलिए नहीं निकल पाए लोग, तो त्यौहार भी एक प्रभाव पड़ा त्यौहार। युवा इसलिए आएगा क्योंकि युवा नए सोच के साथ आते हैं, अभी जेनरेशन हम लोग सबको ही जानते हैं, पुरातन को लेके नए सोच बदलना है तभी युग आगे बढ़ते हैं। जैसे 3G था, अभी थोड़ी ना 3G चल रहा है, 5G में अपडेट हुआ है, तो वैसे हर चीज में हर जगह में अपडेशन मांगते हैं। तो ये भी है कि दक्षिण विधानसभा 35 साल से बृजमोहन अग्रवाल है, वो सही है, ठीक है, जीत के आए, फ्लो में हर बार जीत गए हैं, लेकिन उसको टक्कर देने लायक आकाश शर्मा इसलिए है क्योंकि युवा है और नए सोच, नए तरीके, नए साथ के आएंगे। और 35 साल में काम अगर हुआ होता, मेरा क्वेश्चन यही है, अगर काम हुआ होता दक्षिण में काम बाकी रहता, 35 साल में जो काम नहीं हुआ है, सुनील सोनी 5 साल सांसद थे वो काम नहीं कर पाए, अभी जीत के क्या करेंगे? केंद्र की जो सरकार बनी मोदी जी की,
तो मोदी जी को भी और साथ में सुनील सोनी जी को भी चुना है। तो इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने दी है, तो स्वाभाविक है सांसद का कहीं ना कहीं उसका योगदान तो होगा, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास, सारे कहीं ना कहीं सांसद को इस आधार पे वोट मिल सकता है। बिल्कुल, सारी जनता तय और ब्रिजमोहन जी का उसके बाद साथ। और समीकरण पे बात कर लेते हैं, आपसे ही हम बात की शुरुआत करते हैं। मुस्लिम वोटर जो है दूसरे नंबर पे माना जाता है इस क्षेत्र पे, क्या लगता है किधर गया ये वोट? मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। जब ये महातारी वंदना योजना जो चालू हुई है उससे मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है और मुस्लिम समाज में एक अच्छी लहर दौड़ी है, उसी हिसाब से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। और इससे हमारे लोकप्रिय विधायक और जन जन के नेता माननीय सुनील सोनू जी भारी मतों से लीड करेंगे। अजी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बोर्ड? हाँ, मैं पूरा कहूंगी क्योंकि मैं भी मुस्लिम महिला हूँ। जी, बताइए। बार बार एक ही काम कितने बार करते रहेंगे? एक साल में 3 बार चुनाव, रायपुर की जनता को बार बार चुनाव, बार बार वोट डालना, एक विधायक का चुनाव, एक बार विधायक का चुनाव हो गया, ये लोगों के आदान प्रदान के चलते रायपुर की जनता को उपचुनाव की आदत नहीं, क्यों उपचुनाव में आएंगे वोट करेंगे? और उसके बाद महंगाई, सरकार आई हुई है, महंगाई है, एक दिन अगर कहीं आदमी चला जाएगा तो बिजली बिल जो बढ़ के आएगा उसको कौन पटाएगा? महंगाई, टमाटर अगर कहीं 100 रुपए किलो खाएगा तो उसको कौन भरपाई करेगा? 100 रुपए में 1000 रुपए महतारी वंदन दे रहे हो आप, और महतारी वंदन में भी जो विधवा महिला है उसका निराशी पेंशन काट ले रहे हो आप। आपके कहीं पे लिखा हुआ था क्या कि महतारी वंदन का 500 रुपए कटेगा और उसके बाद में 500 रुपए आएगा? ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ था तो बताएं। महंगाई बढ़ाए हो तो आप लोग आवाज बुलंद क्यों नहीं तो कर ही रहे हैं, लगातार करें। नहीं, महंगाई के लिए, वोट के लिए आवाज बुलंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है। निर्दलीय की बात करूँ, 18-30 प्रत्याशी में से 18 निर्दलीय है। ये निर्दलीय किसके लिए लाभदायक होंगे, किसके लिए नुकसानदायक? वो उनका कोई महत्व नहीं है, निर्दलीय को कोई नहीं पूछता आजकल। उनका मतलब एक वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए एक को अगर 500 भी वोट मिलता है, घर परिवार का वोट तो मिलेगा, वो कांग्रेस का नुकसान है। अच्छा, कांग्रेस का? अरे, जो बीजेपी को जो वोट करते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, केवल बीजेपी वोटर है जो परंपरागत है वो कहीं नहीं, एक ही वोट डालेंगे। क्या कहते हैं आप? कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी, क्यों लगता है आपको कांग्रेस जीतेगी? क्योंकि कांग्रेस मतलब इसलिए जीतेगी कि अभी बीजेपी इतनी महंगाई करके रखा है कि गरीब लोग की ने पूरा त्रस्त हो। अच्छा, एक सीट में जीत जाने से महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, एक सीट से नहीं, वो हर समय और जीतेगा और जीतते रहेगा। अच्छा जी, मतलब रास्ता तो खुलेगा, ये कहना? खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। तो दूसरा ये है कि मैं बात कर लेता हूँ, ब्राह्मण समाज जो जो है निर्वाचन से पहले ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया था और उनकी मांग थी कि वो जो है ब्राह्मण को टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने जो है ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। आपसे ही हम पूछ लेते हैं कि ये जो टिकट जो है ब्राह्मणों को नहीं देना, क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखता है ना। क्या लगता है आपको? देखिए, ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसमें कहीं नाराजगी नहीं दिखी हो और सारे लोग बढ़ चढ़ के आज मतदान में हिस्सा लिए हैं और ये 23 तारीख को तय भी हो जाएगा परिणाम के साथ में, सुनील सोनी जी विजय होंगे और उसमें बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मण समाज का भी होगा। आपका तो पोस्टर वायरल हुआ था छोटा महापौर करके, क्या लगता है आपको जो है जो ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोला था कि पंडितों को या जनरल को जो है टिकट दी जाए, बीजेपी ने नहीं दिया, कितना नुकसान होगा बीजेपी? बीजेपी को पूरा नुकसान होगा क्योंकि ब्राह्मण समाज ने पूरा लामबद्ध तरीके से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को नदारद किया, उन्हें निराश किया, लेकिन कांग्रेस ने एक युवा चेहरा आकाश शर्मा के रूप में हमें ब्राह्मण समाज को एक गिफ्ट के तौर पर और एक विधानसभा में उनको दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आकाश शर्मा इस चुनाव में इतिहास रचेंगे। आप वोट डाले? हाँ, डाले। तो जब आप वोट डालने गए थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या काम होना चाहिए या किसी का काम अच्छा लगा, क्या सोच के? हमारे दिमाग में एक ही चल रहा था कि आकाश शर्मा आ जाए, कांग्रेस जीत जाए। अच्छा, शर्मा दिमाग में यही चल रहा था। इसी शर्मा को कब से जानते हैं? मेहनत कर रहे थे। कब से जानते हैं? जब से हम लोग छोटे थे, जब से सब बातचीत करते तो जानते हैं। जानते हैं शर्मा जी को, क्यों नहीं जानेंगे? ऐसा थोड़ी कि अभी आए तो अभी जानेंगे। अब हम आपसे वही सवाल फिर रिपीट कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? मुस्लिम वोटर तो पूरा कांग्रेस के साथ शुरू से रहा और रहेगा, अच्छा, रहेगा, हमेशा रहेगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। मुस्लिम वोट
हमेशा कांग्रेस के साथ रहा जी। आप एक बात आ रहा था कि एक जगह जीतने से क्या होगा, चारों विधानसभा में भाजपा है, एक जगह जीतने से क्या होगा। आप लोग जानते हैं हमेशा तारीफ सुनना आदत हो जाता है इंसान को, जब चार विधानसभा में एक विधानसभा कांग्रेस का होगा तो कंपटीटर होगा, उनका गलती उनका नुक्स निकालेंगे तभी ना काम होगा। आईना दिखाने का, आईना दिखाने का काम करना है। और आज और भी युवा है उनसे भी बात करते हैं, पार्टी से प्रभावित लग रहे हैं, क्या कहना है? मेरा कहना यह है सुनील सोनी जी, अधिक से अधिक मत में जीतेंगे और जीत के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कार्य किए हैं जी। बृजमोहन अग्रवाल, हमको परमानेंट विधायक भी मिलेंगे और राजनीतिक के सुनील सोनी मिलेंगे हमको। और मैडम जी जो बोल रहे थे, इजाज देवर के साथ साथ छोटा महापौर भी बुढ़ा तालाब में ठंडा होने वाला है। अच्छा आप मतदान किए? मतदान किए हैं। मतदान किए तो क्या आधार था, सोच के की? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर जिला मंत्री हूं। मेरा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग 12 महीना हम लोग की चलने वाली पार्टी है। हम 12 महीना वर्क करते हैं, हम लोग चुनाव आती है तो वर्क नहीं करते। हमारे सुनील सोनी जी ने बहुत सारी काम है। देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है। आप लोग जो है धैर्य रखिए, एक एक करके बोलिए, सबको मौका मिलेगा, एक एक करके बोलिए, रुके आप लोग शांत रहिए, आप सबको मौका मिलेगा जी। क्या बोलना? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो बात कर रहे थे खुद नशा करके आए हैं। मैं बोली पहले नारी सुरक्षा का बात करो फिर आप बात करना, जब नशा करके इधर बात कर रहे हैं तो अंधेरे में क्या होगा। और दूसरा बात तू करके बोल रहे हैं, तू करके नशे में बात कर रहे हैं जी जी। देखिए यहाँ पे बात हो रही है चुनाव को लेकर, देखिए बात चुनाव को लेकर हो रही है। देखिए मेरे नहीं, देखिए आप लोग तो देखिए कार्यकर्ता अभी है, आम जनता है, इससे पूरा जो देख सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, एक दूसरे के कमेंट को ये सुनना नहीं चाहते और आज एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए भी उतारू हो सकते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, दक्षिण के मतदाता है और कुछ कार्यकर्ता हैं जो बोलते ही एक दूसरे के लिए जो है सामने खड़े हो उठे हैं। और पूरी बात हो रही थी कि ये चुनाव को लेकर जो उपचुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगा और उसके कारण क्या है कि कम वोटिंग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दों के साथ आपके भी जाएंगे। जय जोहार।